के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए सेक्शन ए बी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, प्लेलिस्ट पर जाके आप चेक कर सकते हो। आज हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में स्टडी करेंगे, मगर सेक्शन सी एंड डी से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर, ठीक है। इस वीडियो पर लर्नर्स पूरी सेक्शन सी एंड डी है, डिटेल्स में डिस्कशन होगा, नोट्स भी मिल जाएगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला है प्लानिंग मैनेजमेंट ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम। देखिए जो इंक्लूसिव क्लासरूम होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, क्लासरूम क्या है, डाइवर्स लर्नर्स क्या है, ये हम लोग सभी पढ़ चुके हैं, राइट। अब ये सारी जो प्लानिंग प्लॉटिंग है इसको हमें अरेंज करना है, ठीक है। तो कैसे एक क्लासरूम पर सभी बच्चे आकर पढ़ेंगे, कैसे मेथड्स को, टीचिंग मेथड्स को अप्लाई किया जाएगा, इसके लिए क्या जरूरी है, प्लानिंग की जरूरी है ना। तो 21st सेंचुरी पर ये इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर लॉ आई है, टिपिकली कॉम्प्रोमाइज द ऑफ जनरल एजुकेशन स्पेशल नीड स्टूडेंट। मतलब कॉम्प्राइज मतलब क्या है कि जनरल स्टूडेंट के साथ स्पेशल नीड स्टूडेंट को इंटीग्रेटेडली एक साथ पढ़ाना होगा एक क्लासरूम पर। दोज हु प्रेजेंट विद मिल्ड टू मॉडरेट लर्निंग एंड बिहेवियर चैलेंजेस। मगर यहाँ पर क्या देखा जाएगा कि जो स्पेशल नीड चाइल्ड होगा वो मिल्ड टू मॉडरेट हो। जैसे कि अगर कोई किसी का दिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो मिल्ड टू मॉडरेट होना चाहिए। पूरी तरीके से ब्लाइंड होगा तो जनरल स्टूडेंट के साथ पढ़ने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पढ़ने की में प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पर टीचिंग मेथड्स उनके लिए बिल्कुल अलग होती है जो पूरी तरीके का ब्लाइंड है, और जो जनरल स्टूडेंट्स होते हैं उनका अलग होती है। तो दोनों मेथड्स को कंबाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए यहाँ पर मिल टू मॉडरेट जो चैलेंज स्टूडेंट है उसको जनरल स्टूडेंट के साथ पढ़ाया जा सकता है, ये बोला गया है। इंक्लूसिव क्लासरूम प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एट द फाउंडेशन टू द एजुकेशनल सिस्टम। अगर आप सिर्फ एक जनरल एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे वहां पर भी प्लानिंग है, और यहाँ पर तो इंक्लूसिव एजुकेशन है, यहाँ पर प्लानिंग करना ही चाहिए, राइट। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होना होगा जहाँ पर लर्निंग एनवायरमेंट पर हर एक स्टूडेंट एंगेज हो सके, दैट मीन्स एक्टिव हो सके। A classroom management plan is necessity that every teacher must adhere to, for it is the law of educational classroom. It is the plan that sets the expectation for every student. मतलब हर एक स्टूडेंट के ऊपर कुछ एक्सपेक्टेशन रखना होगा, उस हिसाब से आपको प्लान करना होगा। क्लासेस पर कुछ लॉज होना चाहिए इन ऑर्डर टू क्लासरूम मैनेजमेंट प्लान टू बी सक्सेसफुल। इस तरीके से जो क्लासरूम प्लान होती है वो सक्सेसफुल होगा। देयर मस्ट बी टू वी आर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग फॉर द स्टूडेंट्स ऑन ईच ऑफ द गाइडलाइन सेट इन प्लेस। मतलब हर एक जगह पर जो गाइडलाइन होगा वो स्टूडेंट के ऊपर बेस करके होगा, स्टूडेंट को यहाँ पर समझना होगा, ठीक है। At the same time, it is up to the teacher to follow their plan to ensure the educational environment is conducive to learning. मतलब learning से related जो education environment create करना होगा वो भी teacher क्या करेंगे, follow करेंगे और उस plan को ensure करेंगे, ठीक है। अब inclusive classroom पर दो function होती है, मैंने यहाँ पर देखा कि एक planning होती है और दूसरा क्या होती है, management होती है। प्लानिंग पर आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स प्रोसीड्योर को देखेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे, और मैनेजमेंट पर ये भी जो भी ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसीड्योर आपने सिलेक्ट किया है उसको जब आप अप्लाई कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, वो किस तरीके से कर रहे हो, कौन से चीज़ को कंट्रोल कर रहे हो, ये सारी चीज़ देखा जाएगा। देयर आर टू एस्पेक्ट्स दैट स्कूल शुड प्रोवाइड इन ऑर्डर टू रन इंक्लूसिव एजुकेशन। एक होती है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा होती है फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉम्पोनेंट्स क्या क्या है, देखिए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर द फैसिलिटी आर द इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर एंड स्टाफ, स्कूल एंड द क्लासरूम, फिजिकल सिटिंग। मतलब यहाँ पर जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा यहाँ पर देखा जाएगा कि हर एक बच्चे के लिए स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उनकी सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है, जो एनवायरमेंट है वहाँ पर वेंटिलेशन की जो मैनेजमेंट होती है वो कैसा है, हर एक स्टूडेंट्स के लिए टॉयलेट अप्रोप्रिएट है या नहीं, क्लीन टॉयलेट है या नहीं, ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं। तो यहाँ पर हर एक चीज़ देखना देखा जाएगा, यहाँ पर करिकुलम को देखा जाएगा, पॉलिसी को देखा जाएगा। दैट मीन्स इन द स्कूल्स ईच एंड एवरी
things that may be an infrastructure, that may be a staff, that may be a classes size, each and every things को यहाँ पर क्या किया जाएगा, focus किया जाएगा. अब अगर फिजियोलॉजिकल की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सोशल एंड इमोशनल एटमोस्फियर, ऐसा एटमोस्फियर क्रिएट करना होगा जो कि स्कूल के लिए और स्टूडेंट्स के लिए पॉजिटिव हो, इसके ऊपर बेस करके, सोशल एंड इमोशनल एटमोस्फियर के ऊपर बेस करके. जैसे कि यहाँ पर आपको स्कूल की, स्कूल एंड कम्युनिटीज, ठीक है, स्कूल की जो कम्युनिटीज होती है या फिर सोसाइटी होती है उसके साथ पॉजिटिवली इंटरेक्ट करना होगा. सिर्फ स्कूल्स एंड कम्युनिटी, मतलब स्कूल्स एंड सोसाइटी में पॉजिटिव इंटरेक्शन से काम नहीं चलेगा, टीचर्स टर्म स्टूडेंट्स के बीच में भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड एंड इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज भी जरूरी है. और उसके अलावा स्कूल पॉलिसीज को पॉजिटिव तरीके से डेवलप करना होगा, ठीक है. अब देखो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बोल रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कि एक हर एक चाइल्ड, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो चाहे वो जनरल स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट की जो स्पेशल नीड्स है वो उस नीड्स को फुलफिल भी हो और वो हर एक चीज़ को एक्सेस कर सके, इस टाइप की इंफ्रास्ट्रक्चर होना यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है. जैसे कि स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट जो दिख नहीं सकते, दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके जो ब्लॉक्स है या फिर जो साइंस है, ठीक है, वो क्लासरूम पर होना चाहिए. जो हियरिंग प्रॉब्लम्स है उसको विजुअल साइंस से पढ़ाना होगा. फिजिकल डिसेबिलिटी जो स्टूडेंट्स है उसको रैम्प्स चाहिए, ठीक है, वो स्टीयरिंग से नहीं उठ सकते, रैम्प्स चाहिए, स्पेशियस रूम चाहिए, ठीक है, जैसे वो फ्रीली बैठ सके, वो कंफर्टेबल हो उस एनवायरनमेंट में. अच्छा, जो अटेंशन डिफिक्ट डिसऑर्डर होती है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, पर मतलब जैसे कि स्टूडेंट्स पढ़ रहे, थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्ट होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये रियलिटी है कि रियलिटी पर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट हमेशा कंटिन्यू अटेंशन के साथ नहीं बैठ सकते, थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाती है कभी कभी. मगर जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होती है उसके लिए क्या करना होगा, एक ऑर्गेनाइज्ड क्लासरूम, वेल ऑर्गेनाइज्ड क्लासरूम करना होगा, जहाँ पर जिस जगह पर उसका अटेंशन जा रही है उस जगह से कुछ नॉलेज गेन कर सके. तो इस तरीके से क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अरेंज करना चाहिए, ठीक है. अकॉर्डिंग टू लोरमैन से क्या है कि कंसिडर रिलेटेड टू फेसिलिट द इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूसिव स्कूल्स आर, जो इंक्लूसिव स्कूल्स होगा वहाँ पर कैसा होगा, रैम्प होगा, ठीक है, विथ एंड पोजिशनिंग ऑन डोर एंड डोरवेज, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्पीड, मतलब बहुत जल्दी ना, बहुत जल्दी स्पीड में क्लोज ना हो, मतलब एक मेंटेन रहना चाहिए डोर को, मतलब डोर की हाइट कैसा होगा, डोर की वेट कैसा होगा, जिसके थ्रू हर एक बच्चा उसको ओपन एंड क्लोज कर सके. फर्नीचर अरेंजमेंट, उसके अलावा जो गेम्स, बैग्स, रग्स, टॉयज होती है उसकी अवेलेबिलिटी, लाइटिंग, मतलब जो विजुअल स्टूडेंट्स होती है उसकी लाइटिंग को ठीक रखना होगा, तभी वो जो मिल टू मॉडरेट विजुअल इम्पेयर स्टूडेंट्स होती है वो एक्सेस कर सकेंगे हर एक चीज़. स्पेशल क्लासरूम इक्विपमेंट होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, ठीक है, स्कूल की बिल्डिंग, स्पोर्टिंग फील्ड, प्लेग्राउंड भी अवेलेबल होना चाहिए. नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज पर, जहाँ पर यहाँ पर देखा जाएगा पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना होगा, टू प्रोवाइड अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट वेयर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स इन्वॉल्व एंड दे एंगेज ईच एंड एवरी एक्टिविटी इन द स्कूल. नेक्स्ट क्या है, बी रिटन सो इट इजी टू अंडरस्टैंड बाय द होल कम्युनिटी, मतलब यहाँ पर पूरी सोसाइटी के साथ वो समझ सके, पूरी सोसाइटी को, पूरी कम्युनिटी को एंड इंटरैक्ट कर सके. टीचर, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स को कम्युनिटी के बारे में भी इंफॉर्म करना ज़रूरी है, इन्वॉल्व करना होगा हर एक स्टूडेंट्स, हर एक पेरेंट्स, हर एक टीचर्स को, ठीक है, वो मॉनिटर करेंगे, मॉनिटर किया जाएगा एंड इवेल्युएट किया जाएगा इसके ऊपर. उसके अलावा वेलफेयरनेस, इंक्लूशन, स्टाफ डेवलपमेंट, सब कुछ पॉलिसी होगा इसके ऊपर. बी इन्फॉर्म्ड बाय मॉनिटरिंग ऑफ स्कूल्स एंड क्लासरूम प्रैक्टिसेस. अच्छा, अब देखो कुछ इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस होती है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस पर कुछ
प्रिंसिपल्स है, जैसे कि होल क्लास, ठीक है, अगर आप कैसे, यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस का मतलब मैं पहले दिखा देती हूँ कि इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होती है। जैसे कि जब आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, ठीक है, कैसे आप इंस्ट्रक्शन देंगे, आप किस चीज के ऊपर तब फोकस करेंगे और किस चीज के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, ठीक है, कौन सी चीज को इम्पोर्टेंस देंगे और कौन सी चीज को रिजेक्ट कर देंगे इंस्ट्रक्शन के टाइम पर, ये बात यहाँ पर बोला गया है। जैसे कि देखिए होल क्लास, टीचर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर पूरी क्लास को अगर एक साथ, बहुत सारे बच्चे हैं, सपोज कीजिए 60-70 बच्चे हैं, अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, 60-70 बच्चे को एक साथ पढ़ा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, वो टीचर हर एक बच्चे के ऊपर इंडिविजुअली अटेंशन नहीं दे सकते, तो यहाँ पर लेस होल क्लास, मतलब पूरी क्लासेस को एक साथ नहीं पढ़ा सकते, लेस स्टूडेंट पैसिविटी, मतलब एक्टिव रहना होगा, पैसिव नहीं रहना है, लेस प्रिजाइडिंग एंड रिवर्डिंग ऑफ साइलेंस इन द क्लासरूम, क्लासरूम पर आप रिवर्डिंग, मतलब साइलेंस को यहाँ पर आप एम्फसाइज नहीं करेंगे, यहाँ पर रिवर्ड एंड प्राइजिंग, मतलब जो स्टूडेंट साइलेंस रहेंगे उसको प्राइज एंड रिवर्ड नहीं देंगे, जो स्टूडेंट्स एक्टिव रहेंगे उसको रिवर्ड एंड प्राइज देंगे, ठीक है। लेस क्लासरूम टाइम डिवोटेड इन फील इन द ब्लैंक वर्कशीट डिटॉस वर्क बुक्स एंड वादर सीट वर्क, मतलब बैठे बैठे हर एक कोई काम नहीं, वो एक्टिव होके खुद की मूवमेंट करके हर एक काम करे, इसको एम्फसाइज करना चाहिए। ले स्टूडेंट टाइम स्पेंड रीडिंग टेक्स्ट बुक, मतलब रीडिंग पढ़ो, ठीक है, बस क्लासेस खत्म होगी, ऐसे करके इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है, लेस एफर्ट बाय टीचर्स टू थिनली कवर लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल, एक साथ बहुत सारी चीज एक साथ नहीं पढ़ाना है, रोट मेमोराइजेशन यहाँ पर नहीं चलेगा, कंपटीशन एंड ग्रेड्स, मतलब एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं चाहिए, कंपटीशन करना है तो खुद के साथ करो, ठीक है। लेस यूज ऑफ अ रिलायंस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, मोर एक्सपेरिमेंटल, अब मोर क्या क्या होगा, देखो एक्सपेरिमेंटल होना होगा, इंडक्टिव थ्रू करना होगा, हैंड्स ऑन लर्निंग, मतलब लर्निंग बाय डूइंग मेथड्स पर फोकस करना होगा, एक्टिव लर्निंग चाहिए। यहाँ पर डेमोक्रेसी इन स्कूल होगा, दैट मीन साइलेंस नहीं चाहिए, सब कुछ, सब सब बच्चे कुछ ना कुछ बोल सकते हो, खुद की प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स की चॉइस के ऊपर ज्यादा फोकस करो, ओरिजिनल रीडिंग फूल एंड ओरिजिनल बुक्स, मोर डीप स्टडी ऑफ अ स्मॉलर नंबर ऑफ टॉपिक, मतलब डीप स्टडी करना है मगर एक साथ, मतलब पूरी सिलेबस आधी खत्म करना है, ऐसे नहीं, पार्ट वाइज करना होगा। मोर एम्फसाइज ऑन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, मतलब अच्छा थिंकिंग स्किल्स के ऊपर एम्फसाइज करना, कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव एक्टिविटी के ऊपर फोकस करना, जनरल एजुकेशन क्लासरूम के साथ उस स्टूडेंट को, स्पेशल स्टूडेंट्स को हेल्प करना, कोऑपरेटिव रोल फॉर द टीचर पेरेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, सभी टीचर्स का ये, पेरेंट्स का ये, एडमिनिस्ट्रेटर का ये, कम्युनिटी का ये, सभी कोऑपरेटिव रोल प्ले करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग करिकुलम के ऊपर फोकस करेंगे, करिकुलम क्या है, पहले तो करिकुलम एक ऐसा टॉपिक है, एक अम्ब्रेला टर्म है जहाँ पर हर एक एक्टिविटी इंक्लूड होती है, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो आपकी कोई प्ले या फिर डांसिंग, मतलब जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है आउट ऑफ द क्लासरूम, वो सभी एक्टिविटी आपकी करिकुलम में इंक्लूड होती है, ठीक है। अब करिकुलम में अगर एडेप्टेशन की बात करेंगे, एडेप्टेशन क्या है, करिकुलम एडेप्टेशन है इंक्लूसिव एजुकेशन के सिलेबस पर, तो हमें करिकुलम एडेप्टेशन पर फोकस करना है। करिकुलम क्या है, डेफिनेशन आप करिकुलम की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके डिटेल्स में देख सकते हो, यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट दे दिया है आपको। एडेप्टेशन क्या है, रेफर्स टू एडजस्ट असेसमेंट मटेरियल करिकुलम और क्लासरूम एनवायरनमेंट, मतलब यहाँ पर ऐसा असेसमेंट देना, ऐसा मटेरियल देना, ठीक है, या फिर ऐसा क्लासरूम एनवायरनमेंट को क्रिएट करना जिसके थ्रू हर एक स्टूडेंट के जो स्पेशल नीड्स है वो फुलफिल हो सके, अकोमोडेट हो सके, और हर एक स्टूडेंट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सके, एंगेज हो सके, और टीचिंग लर्निंग गोल्स को भी हम लोग फुलफिल कर सके। तो ओवरऑल करिकुलम एडेप्टेशन क्या होती है,
अ स्पेशल एजुकेशन टीचर यू विल बी रिक्वायर्ड टू एडप्ट द करिकुलम. ऐसा करिकुलम हमें एडप्ट करना होगा जहाँ पर हम लोग स्टूडेंट्स की जो सक्सेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सके. और यहाँ पर हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे वेरियस टेक्निक जो कि करिकुलम से हम लोग उस टेक्निक से अडॉप्ट करेंगे जिसके थ्रू स्पेशल नीड फुलफिल हो सके. जो स्पेशल डिसेबिलिटीज होती है उन सभी स्पेशल डिसेबिलिटी की कौन सी चीज़ के ऊपर फोकस करना है, कैसे उन सभी चाइल्ड को मेन स्ट्रीम पर लेके आना है, वो हर एक एक्टिविटी हम लोग करिकुलम पर रखेंगे. जहाँ पर डिसेबिलिटी के ऊपर कौन सी डिसेबिलिटी के ऊपर फोकस करेंगे, हियरिंग, लर्निंग, मेंटल, इमोशनल, जो डिफिक्ट और हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होती है. तो देखिए अटेंशन डिफिक्ट एंड हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर सेम ही होती है, ठीक है. हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर का मतलब क्या होती है मैं और एक बार बोल देती हूँ. जहाँ पर स्टूडेंट अटेंशन नहीं दे सकते, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं इमोशनली, उसको हम हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है. ये सभी के ऊपर हमें करिकुलम पर ध्यान देना है. तो यहाँ पर ऐसा करिकुलम होगा जो कि UNCRPD 2006 पर मेंशन किया है, जहाँ पर ऐसा कुछ फैसिलिटेट रहेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर जो कि लर्निंग डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स जो होती है वो स्टूडेंट्स भी मेन स्ट्रीम पर आ सके. करिकुलम एडेप्टेशन आर मेड टू सिंप्लीफाई, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करती है और कंटेंट को यहाँ पर रिड्यूस किया जाता है क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है कि लर्नर्स कैसे सीखेंगे, ठीक है. सो दैट लर्नर्स विद डिफिकल्टी कैन बी एब्जॉर्ब द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द करिकुलम. करिकुलम पर सिर्फ और सिर्फ क्वान्टिटी ना हो कि कैसे सीखेंगे बच्चे, इसके ऊपर अगर ध्यान दे दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है. नेक्स्ट क्या है, एडेप्टेशन ऑफ द करिकुलम इंश्योर दैट ऑल लर्नर्स गेट एक्सेस टू क्वालिटी. जो मैंने कहा क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस गैदर करना है. आप कितना मार्क्स गेन किया हो ये आपके लिए ज्यादा फोकसेबल नहीं होगा. आप कितना एक्सपीरियंस, कितना क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन गेन किया है ये आपके लिए फोकल पॉइंट होगा. चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी डू नॉट फील एक्सक्लूड व्हेन इट कम्स अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट मैटर, ठीक है. देखो बेसिक्स ऑफ करिकुलम एडेप्टेशन अ क्वाइट कॉर्नर इन द क्लासरूम गिव ऑल स्टूडेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन एन एरिया वेयर देयर आर फ्यूअर विजुअल डिस्ट्रैक्शन एंड द रूल्स फॉर क्वाइट आर एनफोर्स, ठीक है. तो सभी बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा जिसके थ्रू सभी बच्चे एक्सेस कर सके क्लासरूम पर जो भी चीज हो रही है. व्हेन क्लास स्पेस इज एट अ प्रीमियम Quiet folders can be stood up on the decks and screens to offer students privacy for uninterrupted work time. अब देखो, अब हम लोग remedials के बारे में study करेंगे. Remedials teachers क्या है, remedial teaching क्या है, इन सारी चीजों को देखेंगे. Remedial teacher should adapt the curriculum to accommodate the learning characteristics and abilities of people. That means कि जो remedial teachers होती है वो curriculum को adapt तो करती है, उसके साथ साथ ये भी देखती है कि जो students है उसकी characteristics क्या है, उसका ability क्या है. They should set some teaching objectives which are easy to achieve, ensure that people. मतलब ये यहाँ पर teachers ऐसा ऑब्जेक्टिव क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू पीपल्स उस ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी और इजीली अचीव कर सके. टीचिंग शुड नॉट बी अ डायरेक्ट बाय टेक्स्ट बुक, मतलब सिर्फ टेक्स्ट बुक से पढ़ने से ही आपको आप सीखेंगे नहीं तो नहीं सीख पाएंगे, ये कंसेप्ट यहाँ पर रिड्यूस करना होगा. देयर इज नो नीड टू कवर ऑल द कंटेंट, सभी कवर अप नहीं करना है कंटेंट को. Schools can classify the teaching content into core and non-core learning aspects according to the teaching objectives and pupils' abilities. मतलब जो चीज जरूरी है या फिर जो उसके लिए, बहुत सारी डिसेबिलिटी स्टूडेंट होती है जो कि जैसे कि लर्निंग डिसेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो वो हर एक चीज को नहीं सीख सकते. मतलब वो जो सीखेंगे वही उसकी लाइफ के लिए वैल्यूएबल होना चाहिए, ऐसा कुछ उसको सिखाना होगा और वो सारी चीज बहुत ही इजी वे में सिखाना होगा, ठीक है. तो पूरी सिलेबस, जनरल स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि पूरी सिलेबस कवर अप करो.
मगर जो लर्निंग डिसेबिलिटी या फिर जो डिसेबिलिटी की शिकार होती है वो पूरी सिलेबस या फिर मोर कंटेंट को गेन करने में उनको प्रॉब्लम होती है, तो उसको तो हम लोग इम्पोज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या करना होगा कि ऐसा कुछ पढ़ाओ जिसके थ्रू उसकी रिजल्ट भी अच्छा हो, उसकी लाइफ के लिए भी वो वैल्यूएबल हो, ऐसा टॉपिक्स को सिलेक्ट करना होगा। इसीलिए नॉन कोर एंड नॉन कोर लर्निंग एस्पेक्ट्स क्रिएट करना होगा उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। कोर लर्निंग एस्पेक्ट्स रिक्वायर इन डिप स्टडी, जो कोर लर्निंग होगा उसको डिप से हम लोग स्टडी करेंगे, और जो नॉन कोर होगा वहां पर स्ट्रीमलाइंड और एप्रोप्रिएटली सिलेक्टेड फॉर टीचिंग, मतलब कुछ सिलेक्टेड चीजें उनको यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर जो रिमिडियल टीचर्स होती है यहाँ पर इनकरेज करेंगे क्रॉस करिकुलम के लिए, ठीक है, जिसके थ्रू करिकुलम फ्लेक्सिबल हो सके और लर्निंग भी इफेक्टिव हो सके। टीचर्स शुड मेक गुड यूज ऑफ ऑल टीचिंग मटेरियल्स, यहाँ पर टीचिंग मटेरियल को यूज करेंगे, जैसे कि दे मे सिलेक्ट एंड यूज द मटेरियल इन टेक्स्ट बुक टू मीट द टीचिंग ऑब्जेक्ट्स और कंप्लाई देयर ओन सप्लीमेंटरी टीचिंग मटेरियल्स। मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक जो भी वो पढ़ा रहा है उसके रिलेटेड अगर कुछ टीचिंग एड्स एंड टीचिंग मटेरियल से पढ़ाएंगे तो वो बहुत अट्रैक्टिव होगा, स्टूडेंट अटेंटिवली वो सारी चीज सुनेंगे, ठीक है। यहाँ पर मटेरियल्स आपकी इंटरनेट न्यूज़पेपर मैगजीन से भी हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम के बारे में। यहाँ पर क्या देखिए, जो लर्निंग नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल पीपल, देखिए यहाँ पर डाइवर्स लर्नर्स है तो हर एक लर्नर्स की कुछ इंडिविजुअल नीड्स भी होगा। तो द इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम का एम क्या है कि रीइंफोर्स करना लर्निंग के लिए, ओवरकम किया जाए उन सभी डिसेबल स्टूडेंट्स की डिफिकल्टीज को, उनकी पोटेंशियलिटी को डेवलप करना है। Individual education program, that means IEP, should include the short-term and long-term teaching objects. यहाँ पर दोनों teaching object होगा, एक long-term होगा दूसरा short-term होगा। यहाँ पर कुछ steps होगा, activities होगा, reviews होगा, जो जो programs करना है उसको पहले review किया जाएगा। Teaching can be done in the small group, यहाँ पर अगर group में होगा तो small group में होगा और individual भी हो सकती है। यहाँ पर रेमेडियल टीचर्स होगा, अदर्स टीचर्स भी होगा। रेमेडियल टीचर्स का रोल क्या है मैंने अभी अभी बताया कि जो कि सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी चीज पढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी है, कौन इन कौन सी टॉपिक्स इन डिप में पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कौन से मटेरियल से पढ़ाएंगे। तो ये हमारी रेमेडियल टीचर होती है। जो नॉर्मल टीचर होती है वो जैसे कि आके जो आपकी सिलेबस है वो पढ़ाकर चला जाएगा, मगर जो रेमेडियल टीचर होती है उसका रोल से होती है यही होती है कि स्पेशल चाइल्ड के ऊपर फोकस करना, जो मैंने यहाँ पर अभी अभी बताया कि यहाँ पर क्रॉस करिकुलम पर वो लोग फोकस करेंगे, वो टीचिंग मटेरियल के ऊपर फोकस करेंगे जो रिमेडियल टीचर्स होगा, वो पूरी सिलेबस को कवर अप करना उनका फोकस पॉइंट नहीं होगा, वो करिकुलम को पहले अडॉप्ट करेंगे, चिल्ड्रंस की एबिलिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखेंगे, ठीक है। तो ये सभी रिमेडियल टीचर का रोल्स होती है और ये रिमेडियल टीचर इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम पर भी रहेगा। यहाँ पर टीचर के साथ साथ पेरेंट्स एंड पीपल्स का भी एक बहुत बड़ा रोल होती है, ठीक है, हर एक प्रोग्राम को डिजाइन करने में। रिमेडियल टीचर्स होल्ड मीटिंग रेगुलरली टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ वर्क, मतलब वो इवेल्युएट करेंगे, करके देखेंगे कि कैसे हर एक प्रोग्राम में जो वर्क एंड एक्टिविटी हो रही है वो कितना इफेक्टिव हो रही है हर एक स्टूडेंट्स के लिए। अब प्रिंसिपल क्या है इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम का, कि ये टीम वर्क में होगा जो प्लान किया जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट को सॉरी फ्रीली एनवायरमेंट में पढ़ाया जाएगा, एप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन होगा। आईईपी शो द स्टूडेंट्स एंड फैमिली विजन फॉर द फ्यूचर, यहाँ पर देखा जाता है स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट की जो फ्यूचर है वो कैसे ब्राइट किया जाए। IEP has a student in special education learn with peer without disability as much as possible, मतलब जो disabled student नहीं है उसके साथ सबसे ज्यादा पढ़ाया जाए, जिधर student के साथ, that means वो सबसे ज्यादा focus करती है। इसका goal है tie to general curriculum के साथ tie up करना। IEP is checked regularly during the year and need changes are made to improve the students, मतलब जैसे जैसे स्टूडेंट की नीड चेंज होती है उस तरीके से भी करिकुलम को चेंज करना। इसके लिए हम लोग सेवन स्टेप्स को फॉलो करेंगे।
क्रिएशन ऑफ द टीम विल प्रिपेयर इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, पहले टीम क्रिएट करेंगे एक प्रोग्राम को, फिर परफॉर्मेंस को डिटरमाइन किया जाएगा कौन से लेवल पर होगा, फिर एक एनवायरमेंट को एंड सर्विसेज को डिटरमाइन किया जाएगा, नेक्स्ट प्रिपरेशन करना होगा इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, नेक्स्ट लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म गोल को डिटरमाइन किया जाएगा, नेक्स्ट टीचिंग मटेरियल एंड टीचिंग मेथड्स को डिटरमाइन किया जाएगा, एट लास्ट इम्प्लीमेंट मॉनिटर एंड इवेल्युएशन करना होगा, ठीक है। अच्छा, रिमीडियल टीचिंग का मतलब अब समझ लेंगे। रिमीडियल टीचिंग इज आइडेंटिफाई स्लो लर्नर्स, सिर्फ स्लो लर्नर्स को आइडेंटिफाई करना है एंड प्रोवाइड करना है उनको हेल्प, ठीक है, जिसके थ्रू उनकी जो डिफिकल्ट होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है, वहां पर ओवरकम कर सके। तो अब रिमीडियल टीचिंग के साथ रिमीडियल टीचर को कंपेयर करो तो कैसे लिंक करेंगे लर्नर्स। रिमेडियल टीचिंग का मतलब क्या होती है, अभी अभी हम लोग क्या देखे कि स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम मतलब जो स्पेशल चाइल्ड की प्रॉब्लम होती है उसको आइडेंटिफाई करना और उसको ओवरकम करना। और रिमेडियल टीचर कैसा होगा कि ये सभी जो स्पेशल चाइल्ड की स्टूडेंट्स होती है उन स्टूडेंट्स को कैसे करिकुलम के साथ पढ़ाया जाए, कौन से मटेरियल के साथ पढ़ाया जाए, कैसे फ्लेक्सिबल रहेंगे करिकुलम, इन सभी चीजों के ऊपर फोकस करना है रिमीडियल टीचर का काम। रिमीडियल टीचिंग क्लास इज वन दैट इज मीन टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल्स, लर्निंग स्किल्स को यहाँ पर इम्प्रूव किया जाएगा। यहाँ पर रिमीडियल टीचिंग शुड स्टार्टेड द इमीडिएटली व्हेन द डिफिकल्टी इन लर्निंग और स्कूल्स अटेंडेंस हैव बीन नोटिस, मतलब अगर टीचर देखा कि स्टूडेंट्स अटेंडिव नहीं है तभी वो कुछ ऐसा परफॉर्मेंस या फिर ऐसा कुछ कार्य करेंगे जिसके थ्रू स्टूडेंट्स की अटेंशन वो क्लासरूम पर आ जाए, ठीक है, इमीडिएट काम करना होगा। स्ट्रैटेजीज क्या क्या है, देखिए रिमीडियल टीचिंग की इंडिविजुअल, डायरेक्ट, मल्टीप्लिसिटी, ऑडिटोरी वर्बल थेरेपी, राइटिंग फॉर रीडिंग, ट्रायल एंड एरर, स्किल ट्रेनिंग मॉडल, ठीक है। इंडिविजुअल टीचिंग का काम क्या है, इट मींस द टीचर टीचेस वन स्टूडेंट्स एट वन टाइम, एक स्टूडेंट्स को एक समय पर पढ़ाएंगे। इट डज नॉट मीन दैट लर्नर हैज टू वर्क अलोन, इसका मतलब ये नहीं है कि वर्क जो लर्नर्स है वो एक क्लासरूम पर एक लर्नर्स होगा। यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंस को देखा जाएगा और उसको उस डिफरेंस को देखते हुए उसके ऊपर फोकस करके कुछ एक्टिविटी दिया जाएगा, ठीक है। इसका पर्पस है कि स्टूडेंट्स को क्लोजर तरीके से देखना, फाइंड आउट करना उसकी प्रॉब्लम को एंड ओवरकम कराना। स्कूल कैन अचीव द स्ट्रैटेजी बाय स्कूल कौन सी स्ट्रैटेजी को अचीव करेंगे, यहाँ पर कंप्यूटर के साथ पढ़ा सकती है, स्मॉल ग्रुप के साथ पढ़ा सकती है, पीयर के साथ पढ़ा सकती है, इंडिपेंडेंटली स्टडी यहाँ पर होगा। अब डायरेक्ट टीचिंग और मास्टरी लर्निंग, इट फोकसेस ऑन द अचीविंग द लर्निंग आउटकम्स बाय कंसेंट्रेटिंग ऑन डायरेक्ट स्किल विच इज रिलेटेड टू द आउटकम्स, मतलब यहाँ पर जिसके ऊपर आप फोकस करेंगे वो है कि आपकी आउटकम कैसा होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपकी पहले आउटकम को, पहले क्या होती है, अगर हम लोग दूसरे लर्निंग मेथड्स को देखेंगे तो वहां पर आप गोल को सिलेक्ट करते हो या फिर आप स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, मगर यहाँ पर जो सबसे पहले डिटरमाइन किया जाएगा वो है स्टूडेंट्स की आउटकम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करना, एनालिसिस करना हर एक एलिमेंट्स को, टाइम देना, फीडबैक प्रोवाइड करना, डायरेक्ट द स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस टिल परफेक्शन, मतलब जब तक वो परफेक्ट नहीं हो रही है तब तक उसको डायरेक्ट किया जाए। नेक्स्ट क्या है, शो स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस सुइटेबल चार्ट्स एंड डायग्राम, चार्ट्स एंड डायग्राम के ऊपर बेस करके स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है, देखिए राइटिंग फॉर रीडिंग स्ट्रैटेजी, यहाँ पर प्रोग्राम को देखा जाएगा, पर्सनल एक्सपीरियंस को देखा जाएगा। चिल्ड्रन फाइंड इट इजी टू रीड अ वर्ड विच दे गैदर्ड इट लेटर्स, मतलब जो लिखा है उसको रीड करने में इसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। पिक्चर्स के साथ यहाँ पर पढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर जो चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा वो कैसे लिखेंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लिखने में प्रॉब्लम है, राइटिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पर राइटिंग के लिए जो कुछ स्ट्रैटेजी, रीडिंग स्ट्रैटेजी बनाया जाएगा। अब देखो कुछ प्रिंसिपल स्टडी करेंगे।
रिमीडियल टीचिंग की बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है टीचिंग प्रिपरेशन। पढ़ाने से पहले रिमीडियल टीचर्स को डाइवर्स स्टूडेंट्स की नीड्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके ऊपर बेस करके कुछ प्रिपरेशन करेंगे, लेसन प्लान करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, लर्निंग एक्टिविटीज डिवाइज वेरियस लर्निंग एक्टिविटीज। दैट मीन्स सिंस पीपल्स हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन लर्निंग, टीचर मस्ट डिवाइज डिफरेंट लर्निंग एक्टिविटीज विद द सेम टीचिंग ऑब्जेक्टिव टू डेवलप पीपल्स वैराइड एबिलिटी स्किल्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब जब आप क्लासरूम पर पढ़ाए हो सो आप एक टेक्निक को ना अप्लाई करके बहुत सारे टेक्निक को अप्लाई करो, क्योंकि आपकी क्लास में बहुत सारी स्टूडेंट्स है डिफरेंट एबिलिटीज की, डिफरेंट नीड्स की, तो आपको उसको ध्यान में रखने में डिफरेंट टेक्निक्स को अपनाना होगा, ठीक है। लर्निंग सिचुएशन को मीनिंगफुली यहाँ पर डिजाइन किया जाएगा। रिमीडियल टीचर्स शुड स्पेशली डिजाइन अ मीनिंगफुल लर्निंग सिचुएशन, लैंग्वेज एनवायरमेंट, गेम्स और एक्टिविटीज, सो एज टू प्रोवाइड पर्सनल लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर पीपल्स एंड स्टिमुलेट देयर इंटरेस्ट एंड इनिशिएटिव इन लर्निंग। दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पर लैंग्वेज एनवायरमेंट कहिए या फिर लर्निंग सिचुएशन कहिए, वहाँ पर कुछ ऐसा एक्टिविटीज रखिए जैसे कि गेम्स हो गई, कुछ एक्टिविटीज हो गई, कुछ पर्सनल लर्निंग एक्सपीरियंस गैदर करने का कुछ एक्टिविटीज हो गई। इन सभी चीज के ऊपर बेस करके ऐसा सिचुएशन क्रिएट कीजिए जो कि मीनिंगफुल हो सके और जो एट्रैक्टिव भी हो। नेक्स्ट क्या है, टीचिंग अप्रोचेस। टीचिंग अप्रोचेस के अंदर क्या है, टीचर शुड गिव द कंक्रीट एग्जाम्पल। यहाँ पर टीचर को क्या करना होगा, कंक्रीट एग्जाम्पल देना होगा। बिफोर प्रोसीडिंग, पहले एब्स्ट्रैक्ट नहीं, पहले कंक्रीट दीजिए देन एब्स्ट्रैक्ट दीजिए। दैट मीन सिंपल टू इजी वे से आपको यहाँ पर पढ़ाना होगा। टीचर में टीच न्यू कंसेप्ट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, मतलब हर एक स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव पहले जानिए फिर कोई कंसेप्ट बताइए। पहले ही आप डेफिनेशन बता दिया, कैरेक्टरिस्ट, पहले उसका एक कंसेप्ट बताइए, उसका एक ओवरऑल नॉलेज बता दीजिए स्टूडेंट्स को, या फिर ये जान लीजिए हर एक स्टूडेंट्स का क्या पर्सपेक्टिव है उस कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। क्लियर इंस्ट्रक्शन, आप जो भी पढ़ा रहे हो उसकी डिफिकल्टीज को कम करने के लिए लैंग्वेज को बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाना होगा। रिमीडियल टीचर शुड गिव पीपल शॉर्ट एंड क्लियर इंस्ट्रक्शन, एक क्लियर इंस्ट्रक्शन देना होगा। दे मस्ट एक्सप्लेन क्लियरली द अरेंजमेंट ऑफ ईच लर्निंग एक्टिविटी इफ नेसेसरी दे मे आस्क पीपल्स टू रिपीट द स्टेप्स। मतलब यहाँ पर जब तक उनको इंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो भी टीचर पढ़ा रहा है वो क्लियर नहीं हो रही है तो वो रिपीट कर सकते हैं टीचर, जब तक क्लियर ना हो तब तक। और शॉर्टली पढ़ाओ, क्लियरली इंस्ट्रक्शन दो, कन्फ्यूजन ना रहे स्टूडेंट्स के बीच में। नेक्स्ट क्या है, एनकरेज पीपल्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन क्लास एक्टिविटीज। मतलब क्या है कि पीपल विथ लर्निंग डिफिकल्टीज यूजुअली लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कि लर्निंग डिफिकल्टीज के शिकार है वो बहुत कॉन्फिडेंस नहीं होती है उनकी अंदर में, मोर पैसिव होती है वो, एक्टिव नहीं रहती है हर एक एक्टिविटी पर, वो सोचती है कि वो नहीं कर सकेंगे इसीलिए उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होती है, एनकरेजमेंट नहीं होती है, तो टीचर को यहाँ पर एनकरेजमेंट देना चाहिए। फोकस ऑन लर्निंग प्रोसेस, द टीचर शुड नॉट ओनली फोकस ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। मतलब जो टीचर जानते हैं वही ट्रांसफर कर दिया, ये नहीं है। यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी चीज़ों से स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो रही है, टीचर उसको ही प्रोवाइड करेंगे, ऐसा अपॉर्चुनिटी देंगे जिसके थ्रू वो एंगेज हो सके हर एक एक्टिविटी पर, प्रैक्टिस कर सके, उसकी थिंकिंग प्रोसीड्योर यहाँ पर इम्प्रूव हो सके, ठीक है। इस टाइप की लर्निंग प्रोसेस में टीचर फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्या है, शो कंसर्न फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल पीपल्स। मतलब यहाँ पर हर एक स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस, मतलब हर एक स्टूडेंट्स एंगेज तो रहेंगे एक्टिविटी पर, मगर कैसे वो एक्टिविटी को कर रहा है उसके ऊपर भी फोकस करना होगा। तो यहाँ पर जनरल नहीं करेंगे, ओवरऑल एवरेज नहीं देखेंगे, हर एक इंडिविजुअल को देखेंगे कि कैसे वो एक्टिविटी कर रहा है। अब नेक्स्ट देखो, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप देखना सिलेबस में है, हम लोग दो पार्टनरशिप को देखेंगे। एक होगा हमारी लर्न टू कम्युनिकेट
and relate effectively the structure of the procedure of the program overall promote the partnership. ठीक है अच्छा अब गोल्स क्या होती है इंक्रीजिंग द पेरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचर्स मतलब टीचर को समझना होगा पेरेंट्स को उनकी रोल्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उनकी प्रोफेशनल पोजीशन को यहाँ पर इंक्रीजिंग टीचर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेरेंट्स मतलब देखिए एक बार पेरेंट्स टीचर को समझेंगे दूसरी बार टीचर क्या करेंगे पेरेंट्स को समझेंगे ठीक है अच्छा अब क्या होगा नेक्स्ट प्रोवाइडिंग द पेरेंट एंड टीचर विद स्पेसिफिक स्टेप्स टू टेक व्हेन द प्रॉब्लम अराइज मतलब जब कोई प्रॉब्लम होती है तब कैसे दोनों उस प्रॉब्लम को ओवरकम करेंगे तो वो कुछ स्टेप्स उनको प्रोवाइड करना होगा पेरेंट्स एंड टीचर बोथ को अब समझेंगे रोल ऑफ पेरेंट्स टाइमली आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजेबल ऑफ द चाइल्ड खुद की चाइल्ड को पहले बहुत अर्लियर तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि वो डिजेबल है डिसेबिलिटी की शिकार है पेरेंट्स हैव एफिशिएंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो शेयर लव केयर इमोशनल फीलिंग मतलब ये नहीं है आप सख्त रूप से पेश करेंगे एक डिसेबल चाइल्ड को आपको बहुत ही लविंग केयरिंग इमोशनल फीलिंग के साथ उसके साथ टाइम स्पेंड करना है यहाँ पर कॉग्निशियल इन्वायरमेंट आपको देना होगा यहाँ पर वोकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आपको समझना होगा उसको एक अपॉर्चुनिटी देना होगा पेरेंट्स शुड एक्सेप्ट द लिमिटेशन मतलब आपको करना ही होगा ऐसा फोर्स नहीं कर दिए उसकी लिमिटेशन को समझिए पहले पेरेंट्स में नॉट फील शाई इन डेवलपिंग द रिलेशनशिप टीचर्स रिलेटेड द प्रोफेशनल्स मतलब टीचर के साथ कनेक्ट होने में पेरेंट्स को शाई नहीं होना है पेरेंट्स में नॉट फील शाई टू डेवलप ये मैंने बता दिया दोबारा करके ये रिपीटेशन आई है प्रिपेयरिंग देयर चाइल्ड फॉर मीटिंग द सोशल एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर प्रोस्पेक्टिव रोल्स मतलब चाइल्ड को सोशली घुल मिलना होगा सोशलाइजेशन सिखाना होगा ठीक है पेरेंट्स डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड नीड्स देयर वर्ड मतलब उनकी स्ट्रेंथनेस क्या है चाइल्ड की ठीक है उनकी चाइल्ड की स्ट्रेंथनेस को समझना होगा नीडनेस को भी समझना होगा अब क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होगा अब हमेशा मोबाइल टीवी से उसको एंगेज नहीं कर सकते क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए पेरेंट्स इन्वॉल्व इन द एकेडमिक डेवलपमेंट पर खुद की चाइल्ड को एंगेज कराना है पेरेंट्स हेल्प करेंगे पॉजिटिव एटीट्यूड देने में पेरेंट्स ट्राई टू प्रोवाइड स्ट्रेस फ्री एनवायरमेंट एंड हमेशा स्ट्रेस नहीं देना है उसको बहुत ही कूल रखना है अब पीयर्स का रोल क्या है यहाँ पर देखिए पीयर्स भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली मैनर पर रहेंगे कोई भी कोऑपरेटिव रहेंगे हेल्पफुल रहेंगे ठीक है तो एक अच्छा फ्रेंडशिप यहाँ पर डेवलप करना होगा जेन्युइन फ्रेंडशिप डेवलप करना होगा एट द सेम टाइम अदर चिल्ड्रेन हैव चांस टू इंटरैक्ट जैसे कि नॉर्मल बच्चे के साथ हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट करते हैं बात करते हैं टिफिन शेयर करते हैं खुद की इमोशन बताते हैं शेयर करते हैं इमोशन ठीक वैसे ही करना होगा स्पेशल चाइल्ड के साथ ठीक है कोलैबोरेटिव लर्निंग करना होगा ग्रुप लर्निंग करना होगा क्रॉस एज पीयर सपोर्ट मतलब सपोज कीजिए कोई सीनियर है सीनियर भी जूनियर को सपोर्ट कर सकती है उसके साथ हर एक चीज शेयर कर सकती है प्रिंसिपल्स रूल सब कुछ बता सकती है ठीक है नेक्स्ट क्या है पीयर मॉडलिंग पीयर मॉडल इज द अनदर सपोर्ट दैट कैन बी यूज हेल्प स्टूडेंट्स लर्न एकेडमिक यहाँ पर पीयर मॉडलिंग एक ऐसा सपोर्ट है जो कि एकेडमिकली सक्सेस पाने में हेल्प करेगा जहाँ पर क्लासरूम रूटीन के बारे में समझना होगा एकेडमिक के बारे में समझ सकते हैं यहाँ पर क्लास टीचर ऐसा अपॉर्चुनिटी देंगे जहाँ पर पीयर्स इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे क्लैरिफाई करेंगे वो सारी स्टूडेंट्स को जहाँ पर उसको डिस्टर्बेंस ना हो थोड़ा बहुत जो रूल्स होती है क्लासरूम की वो स्टूडेंट्स बता सके बहुत ही सिंपल तरीके से जैसे कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को जैसे समझाता है उस तरीके से समझ सके इस टाइप की अपॉर्चुनिटी टीचर प्रोवाइड करेगा अब रोल ऑफ द पीयर्स क्या है देखिए प्ले एरिया होना होगा व
वो प्लेफुल तरीके से इनकरेज करेंगे कि चलो मैं भी खेल रही हूँ, आप भी खेलो, टिफिन शेयर करो, सेट अप प्ले सिचुएशन, पॉजिटिव बिहेवियर रीइंफोर्स करना है, ठीक है, एक स्पेशल नीड के साथ जहाँ पर उन सभी, देखिए हमेशा हम लोग जनरल बच्चे को क्यों मॉनिटर बनाए, उन सभी बच्चे के अंदर अगर लीडरशिप क्वालिटी है उसको डेवलप किया जा सके, ठीक है, एक फ्रेंडली मैनर उनको देना होगा। अब प्रोफेशनल का रोल्स क्या है, प्रोफेशनल प्ले अ की रोल इन प्रोसेसिंग इंक्लूसिव एजुकेशन बिकॉज दे आर ऑफन द लिंक बिटवीन द डिसेबल लर्नर्स एंड फैमिली एंड द स्कूल्स विद द राइट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल कैन असिस्ट बोथ फैमिलीज एंड एजुकेशन प्रोवाइड्स हैव इंक्रीज द कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर देखिए जो प्रोफेशनल्स होती है वो सिर्फ स्कूल्स को समझती नहीं है, वो पेरेंट्स को भी समझती है, पेरेंट्स की इमोशन को समझती है, स्टूडेंट्स की इमोशंस को समझती है, तो उनको ओवरऑल फोकस करना है, ठीक है, जैसे उनको फ्यूचर ब्राइट करने में, जैसे हमेशा ये भी होती है अगर आप रियलिटी को चेक करेंगे तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टूट जाती है, नहीं होगा, क्या करेंगे, इसकी फ्यूचर क्या होगा, तो ये जो पेरेंट्स टूट जाती है उसको इनकरेज करना, स्टूडेंट को इनकरेज करना, दोनों को एक साथ लेके आना, स्टूडेंट्स को एक्टिव करने के लिए पेरेंट्स को बोलना कि आप स्टूडेंट्स को हमेशा घर में भी एक्टिव रखा करो, तो ये सारी चीज एक प्रोफेशनल टीचर्स का भी काम होती है, ठीक है। कुछ कोर वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे, दीज आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर एन एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पर सभी लर्नर्स डिफरेंट लर्नर के साथ पढ़ेंगे, जहाँ जो वैल्यू होगा वो यही है कि एजुकेशन सिस्टम सभी के लिए है, सभी यहाँ पर एक्सेसिबल है, यहाँ पर लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क होगा जहाँ पर देखा जाएगा कि डिजेबल लर्नर्स को इंक्लूड किया जा रहा है जनरल के साथ, द लॉ पॉलिसी को नेशनल और लोकल एंड बी एप्लीकेबल द नेशन होगा, मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट लोकल और इंडिविजुअल सभी यहाँ पर जो कोऑपरेटिवली काम करेगा, यहाँ पर स्कूल कल्चर को समझना होगा, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल एक्ट पर फोकस करना होगा, बिहेवियर इन सभी चीजों को समझते हुए एम्पैथी प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, करिकुलम मॉडिफिकेशन, अब टीचर्स का क्या रोल है, यहाँ पर टीचर मॉडिफाई करेंगे करिकुलम को जैसा स्टूडेंट्स का नीड है, स्पेशल नीड, जैसे कि अगर वो बच्चे विजुअली देख नहीं सकते तो ऑडियो टेप देना, शॉर्ट नेट असाइनमेंट देना, चैप्टर को समराइज करना, ये करिकुलम मॉडिफिकेशन टीचर का रोल होगा। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द इंक्लूशन टीचर टू एडवोकेट नीड्स देयर स्पेशल स्टूडेंट्स बाय इंश्योरिंग दैट रिसोर्स सच एज पीयर ट्यूटरिंग, इंस्ट्रक्शनल असेसमेंट, टीम टीचिंग, स्टाफ डेवलपमेंट, इन सभी अपॉर्चुनिटीज देना, ट्यूटरिंग करना, टीम टीचिंग कराना, स्टाफ डेवलपमेंट करना, स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को एक्सेस करना, ये सभी काम भी टीचर्स का ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट टीचर्स का रोल क्या है, क्लासरूम एनवायरनमेंट, यहाँ पर टीचर देखेंगे कि क्लासरूम पर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जिसके थ्रू स्पेशल नीड्स जो चाइल्ड होती है उसकी पोटेंशियल डेवलप हो सके, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। नेक्स्ट मैनेजिंग बिहेवियर, जिसका मतलब है ऑल दो इंक्लूसिव क्लासरूम कैन प्रोमोट पॉजिटिव पीयर इंटरेक्शन, मतलब यहाँ पर टीचर ये भी देखेंगे कि स्टूडेंट के साथ मतलब एज ए फ्रेंडली बिहेवियर कर रही है नहीं, या फिर कोई बिहेवियर इशू हो रही है तो उसको सॉल्व करना, टीचर्स में नीड टू कंसिडर अ डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट मेथड फॉर मैनेजिंग द बिहेवियर ऑफ द स्पेशल नीड स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्पेशल नीड स्टूडेंट की जो पॉजिटिव बिहेवियर हो सके हमेशा उसको मैनेज करना भी टीचर का रोल है। अब कोलैबोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप नॉलेज एक्सपीरियंस एंड स्किल को गैदर कर सकते हो आप पार्टनर के साथ, ठीक है, आपकी कॉमन गोल रहेंगे, उस गोल को फुलफिल करना है, आप दोस्तों के साथ मिलजुल के उस गोल को आप फुलफिल करेंगे, इसमें भी स्पेशल चाइल्ड को इंक्लूड करना है, ठीक है, तो कोलैबोरेशन ठीक तरीके से हो इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग अराउंड द
प्रोग्राम प्लानिंग, मतलब कोई प्रोग्राम को प्लान करना, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी सही से देना, असेसमेंट देना, और ये असेसमेंट या फिर प्रोग्राम, ये फिर इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी, ये सभी ग्रुप में हो, ये भी देखने का काम किसका होगा? टीचर का होगा। अब हर एक टीम मेंबर ठीक से एक्टिविटी कर रही है या नहीं, पार्टिसिपेट किया है या नहीं, इसके ऊपर फोकस करना, पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस को प्रिपेयर करना, रिसोर्सेस को शेयर करना, ये सारी काम किसका होगा? टीचर का होगा। अच्छा, अब पेरेंट्स का रोल क्या है? पुल आउट इंस्ट्रक्शन, वन सेकेंड, हाँ सॉरी, पुल आउट इंस्ट्रक्शन रेफर्स टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडिविजुअलाइज प्रोग्राम फॉर ऑल्टरनेट प्रोग्राम कोर्स एंड करिकुलम विच ऑकर्स आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम। ठीक है, जो क्लासरूम के बाहर हो रही है जो करिकुलम, जो कोर्सेज, उसको इम्प्लीमेंट करना ही पुल आउट इंस्ट्रक्शन का काम होती है। इंस्ट्रक्शन शुड बी ऑफर्ड इन लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव, उतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है यहाँ पर, हर एक एनवायरमेंट पर सभी स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कराना है। वेयर इट हैज बीन डिटरमाइंड बाय द प्रोग्राम प्लानिंग टीम दैट आउटकम डिजाइन फॉर एन इंडिविजुअल कैन बी ऑप्टिमली मीट इन द क्लासरूम सेटिंग, पुल आउट इंस्ट्रक्शन मे बी रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट रिसीव इंस्ट्रक्शन इन ऑल्टरनेटिव लर्निंग सेटिंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट बी मीट। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर क्लासरूम के बाहर जैसे कि को करिकुलम एक्टिविटीज होती है, उस को करिकुलम एक्टिविटीज पर क्लासरूम में बाहर जाके कोई प्रोग्राम बनाना, उस प्रोग्राम पर हर एक स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व रखना। अब उस इन्वॉल्वमेंट पर पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल होती है। क्यों पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल होती है? पेरेंट्स अगर सोचेंगे कि पढ़ा ही सब कुछ है, पढ़ाने ये को करिकुलम एक्टिविटीज से क्या होगा, को करिकुलम एक्टिविटीज नहीं करने देना है हमारी स्टूडेंट हमारी बच्चे को, तो यहाँ पर पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होती है कि पेरेंट्स भी इनकरेज करें कि को करिकुलम एक्टिविटीज पर स्टूडेंट्स एंगेज हो सके। अच्छा, रोल ऑफ स्कूल, सोशल डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड मॉरल वैल्यू को डेवलप करना, इक्वालिटी लेके आना, लीडरशिप क्वालिटी को डेवलपमेंट करना, हाई एक्सपेक्टेशन देना, एम्फसाइज ऑन द बेसिक स्किल्स, उसकी जो स्किल्स होती है जो वो कर सके, उसकी जो एबिलिटी है उसके ऊपर जोर देना। अच्छा, सेफ क्लाइमेट प्रोवाइड करना और फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार पीपल की मतलब स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को चेक करना। अच्छा, अभी हम लोग कुछ बैरियर्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि सिलेबस में है। एटीट्यूडिनल बैरियर, फिजिकल बैरियर, इनएडिक्वेट फंडिंग, पुअर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम एंड पॉलिसी बैरियर्स, ये हमारी सिलेबस में ही है। इन सभी बैरियर्स को हमें अभी पढ़ना है। चलिए, एटीट्यूडिनल बैरियर्स का मतलब क्या है? सम ऑफ द ग्रेटेस्ट बैरियर रिलेटेड टू इंक्लूशन इन एजुकेशन आर नेगेटिव एटीट्यूड। मतलब ऐसे भी होती है ना कि जो बच्चे होती है स्पेशल चाइल्ड, उसको देख के मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं देना, नेगेटिव बिहेवियर प्रोवाइड करना, तो उसके लिए एक एक एटीट्यूडियल बिहेवियर हो जाती है। बहुत सारी ऐसे भी अभी पीपल है, मेनी पीपल आर नॉट प्रिपेयर टू इंटरैक्ट, मतलब ऐसे भी बहुत सारी इंसान है जो कि उसके उन डिसेबिलिटी चाइल्ड के साथ बात नहीं कर सकते, उनको मतलब सोचते हैं कि ये डिसेबल चाइल्ड है इसके साथ बात नहीं करेंगे, ये कर नहीं सकते, उनको बहुत ज़्यादा आइसोलेट किया जाता है। ऐसे भी बहुत सारी पीपल हमारी सोसाइटी में मौजूद है, तो ये जो भी बिहेवियर करती है नेगेटिव बिहेवियर, तो ये कौन से बैरियर्स के अंतर्गत है? एटीट्यूडिनल बैरियर्स के अंतर्गत है। ठीक है, अब फिजिकल बैरियर्स की बात क्या करेंगे? जैसे कि हमारे स्कूल में अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही ना हो तो वो फिजिकल बैरियर्स के अंतर्गत आ जाएगी, जैसे कि स्कूल विंडिंग, मॉल, पार्क, प्लेग्राउंड। ठीक है, अगर सपोज कीजिए प्लेग्राउंड पर अगर सही से इक्विपमेंट नहीं है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो भी वो एक फिजिकल बैरियर्स बन जाती है। हमारी ट्रांसपोर्ट, बस, ट्रेन, यहाँ पर अगर वो फैसिलिटी ना रहे कि वो लोग चढ़ नहीं सकते उस बस पर, ट्रेन पर, तो वो भी एक बैरियर्स हो जाती है, फिजिकल बैरियर्स। देयर इज ऑल्सो लैक ऑफ फैसिलिटी और असिस्टिव टेक्नोलॉजी, मतलब जो टेक्नोलॉजी उसकी नीड को फुलफिल कर सकती है वो अभी तक बहुत सारी टेक्नोलॉजी अभी फैसिलिटी नहीं है। ठीक है,
नहीं दिया जाता है स्कूल पर, तो यहाँ पर क्या होती है, उनको प्रॉब्लम हो जाती है हर एक चीज को एक्सेस करने में। तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी की लैक ऑफ फैसिलिटी होने की वजह से डिफिकल्टी आती है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी मीन्स द प्रोडक्ट और द सर्विसेज डिजाइन टू मीट द पर्टिकुलर नीड्स, दैट मीन्स ऐसा टेक्नोलॉजी जो कि उसकी नीड्स को फुलफिल कर सके, जो उसकी सिर्फ स्कूल नहीं, होम, स्कूल, वर्क, कम्युनिटी, हर एक जगह उसको यहाँ पर पार्टिसिपेट करने में, एक्सेसिबल करने में मदद करेगा ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी। मगर इस असिस्टिव टेक्नोलॉजी की बहुत कम है ठीक है हमारी सोसाइटी में। एटीट्यूडल बैरियर्स में क्या क्या होती है, सोशल एक्सक्लूशन आ जाती है, डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है। जैसे कि देखिए क्या होती है, अगर इग्नोर करना, इग्नोर करेंगे डिजेबल चाइल्ड को, उसको अगर नेगेटिव एटीट्यूड देंगे तो आपके पास वो नहीं जाएंगे, डरेंगे, फियरनेस आ जाएगा ठीक है। तो ये जो प्रिज्यूडिस होती है हमारी, ये प्रिज्यूडिस उनको आइसोलेट कर देती है सोसाइटी से। पीयर प्रेशर, दैट मीन्स कि पीयर प्रोवाइड्स अ मच ग्रेटर चैलेंज, मतलब अगर ऐसा हो कि पीयर दिखा रहे, देखो मैं ये कर सकती हूँ तुम ये नहीं कर सकते, ऐसा दिखाना हो तो भी वो पीछे चली जाती है ठीक है। तो द पीयर्स इन स्कूल्स बीइंग द क्लोजेस्ट ऑन द पार, मतलब सबसे ज्यादा कौन क्लोज होती है, फ्रेंड क्लोज होती है ना। अगर पीयर ही ऐसे करेंगे, पीयर ही एटीट्यूडल बिहेवियर नेगेटिव देंगे, तो स्टूडेंट जो डिजेबल चाइल्ड है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब एजुकेशनल बैरियर पर क्या होती है, एडमिशन हो, एडमिशन फर्स्ट ऑफ ऑल बैरियर्स होती है कि एडमिशन सभी स्टूडेंट्स को नहीं लिया जाता है। अभी भी बहुत सारे स्कूल्स हैं जो डिजेबल चाइल्ड को नहीं लेते हैं। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो जाती है ठीक है। फिजिकल लोकेशन ऑफ द स्कूल्स इन अनदर प्रॉब्लम, समटाइम नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द स्कूल और इट्स लोकेशन, मतलब अगर हो भी तो बहुत दूर में है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है स्कूल्स बहुत दूर होने की वजह से। नेक्स्ट क्या है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर है भी स्कूल जो एडमिशन ले रही है ठीक है, भर्ती भी हो गई है, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से नहीं है, टॉयलेट, ड्रिंकिंग, रैंप नहीं होने की वजह से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है। मेटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी, अगर सपोज कीजिए कोई बच्चा डिजेबिलिटी की शिकार है मगर नॉर्मल टीचिंग स्टाइल से पढ़ाया जा रहा है, तो वो प्रॉब्लम होती है। जैसे कि हियरिंग इम्पेयर स्टूडेंट्स को अगर ठीक से नहीं विजुअल एड के साथ पढ़ाया जाएगा, तो वो कभी भी नॉर्मल क्लासेस के साथ ज्वाइन नहीं हो सकते राइट। और यहाँ पर जो भी विजुअली इम्पेयर स्टूडेंट्स, अगर अगर उनको ब्रेल से नहीं पढ़ाया जाएगा तो भी वो एक्सेस नहीं कर सकेंगे, नॉलेज को गेन नहीं कर सकते। क्लासरूम साइज अगर बहुत बड़ा होगा, दैट मीन्स अगर 100 या फिर 80 स्टूडेंट्स होगा एक क्लासेस पर, तो प्रॉब्लम हो जाती है टीचर को हर एक इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करने में। करिकुलम, जनरल क्लासरूम पर, जनरल स्कूल्स पर क्या होती है, रिजिड टाइप ऑफ करिकुलम होती है, जहाँ पर प्रैक्टिकल बहुत कम रहती है, थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा होती है, थ्योरेटिकल पर ऐसे टाइप क्वेश्चन बहुत ज्यादा होती है, तो वो उसको एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि उनकी एबिलिटी हमारी तरह नहीं होती है, तो करिकुलम फ्लेक्सिबल नहीं होती है, ये एक बैरियर बन जाती है। मैं थोड़ा सा डिटेल्स में देखूंगी। देखिए जो ये यहाँ पर है, इन अप्रोप्रिएट करिकुलम, इन एडिक्वेट फंडिंग, द करिकुलम इज वन ऑफ द चीफ इम्पीडियंस टू द प्रोग्रेस ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन। ऑब्वियसली करिकुलम ही है जो हमारी गोल को, एजुकेशनल गोल को फुलफिल करती है। अगर करिकुलम ठीक नहीं होगा, स्टूडेंट्स की नीड्स को मीट नहीं करेंगे, तो डाइवर्स लर्नर्स कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते ठीक है। उसको फ्लेक्सिबल होना होगा, मॉडिफाई करना होगा, मगर हमारी करिकुलम जनरल जो ट्रेडिशनल करिकुलम है वो मॉडिफाई नहीं है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है। इनएडिक्वेट फंडिंग, इनसफिशिएंट फंडिंग इज अ चीफ थ्रेट राइट। अभी देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन पर इंफ्रास्ट्रक्चर होना, मतलब जो कम्युनिटीज होती है उसको उसको कोऑपरेट करना, इन सभी चीजों के लिए बहुत पैसे लगते हैं, और ये पैसे स्कूल या फिर जो कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी खुद से नहीं दे सकते, इसके लिए फंड चाहिए, और ये फंड की प्रॉपर ना होने की वजह से वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो रिसोर्सेज होती है, जो फंडिंग रिसोर्सेज, वो इन सभी के लिए सफिशियंट नहीं है, वो ठीक तरीके से नहीं दे रही, जिसकी वजह से लैक ऑफ टीचर्स है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मटेरियल्स नहीं है, सपोर्ट नहीं मिल रही है ठीक।
अच्छा टीचर्स है तो अनट्रेन टीचर्स है। देखिए यहाँ पर हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन पर क्या स्टडी किया कि स्पेशल चाइल्ड के साथ साथ स्पेशल चाइल्ड अगर जनरल स्टूडेंट के साथ पढ़ रहा है तो यहाँ पर हमें जनरल टीचर के साथ साथ कोई ऐसा टीचर भी देना होगा जो उनकी नीड्स को समझ सके। ठीक है, जैसे कि टीम टीचिंग पर हम लोग स्टडी किए थे तो उन सभी टीचर्स को ट्रेंड होना होगा। अगर अनट्रेंड होंगे तो उनकी नीड्स नीड्स को नहीं समझ सकेंगे, उसकी प्रॉब्लम को वो ओवरकम नहीं कर सकेंगे, राइट। तो अपार्ट फ्रॉम अ लैक ऑफ टीचिंग एबिलिटी, अ टीचर्स एटीट्यूड ठीक नहीं होती है। टीचर डू नॉट ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, वो पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं देती है स्टूडेंट्स को। यहाँ पर एजुकेशनल नीड को समझ नहीं सकती है, स्पेशल एजुकेशनल जो चाइल्ड होती है, स्पेशल जो चाइल्ड होती है उसका नीड्स क्या है प्रॉपर तरीके से वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। यहाँ पर स्टैंडर्ड देखिए, जो इवेल्यूशन सिस्टम हम लोग स्टडी किए थे वहाँ पर स्टैंडर्डाइज टेस्ट करना है। हर एक स्पेशल चाइल्ड के लिए हर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पैटर्न होगा, इवेल्यूशन पैटर्न होगा, इवेल्यूशन टूल होगा, तो ये एक ट्रेंड टीचर ही कर सकती है। पुअर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, यहाँ पर जो भी डिसीजन लिया जाता है वो हाईएस्ट लेवल पर होती है। यहाँ पर फोकस किया जाता है मैनेजमेंट को, ओरिएंटेड टुवर्ड्स द एम्प्लॉई। यहाँ पर जो कॉम्प्लाइंग विद रूल्स रैदर द एंश्योर द क्वालिटी सर्विस डिलीवरी। यहाँ पर सबसे ज्यादा रूल्स को देखा जाता है कि ये रूल्स फॉलो करो। देखना एडमिशन होने में कितना प्रॉब्लम होती है, रिजल्ट निकलने में कितना प्रॉब्लम, कितना समय लग जाती है, क्वेश्चन पेपर तैयार करने में कितना समय लग जाती है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन पर जो भी चीज़ होती है वो बहुत रूल्स के साथ टाइम के साथ होती है, तो ये प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। ये सिर्फ रूल्स को फॉलो करती है, क्वालिटी को फॉलो नहीं करती। अच्छा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर के साथ टीचर जो स्पेशलिस्ट होती है, जो पेरेंट्स होती है, उनको ठीक तरीके से मतलब सभी के साथ ठीक कम्युनिकेट नहीं कर सकती, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, पॉलिसी एज ए बैरियर। मतलब देखिए जो इन सभी इंक्लूसिव जो एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन को लेके आज तक उतना ज़्यादा पॉलिसी क्रिएट नहीं हुई है, ठीक है, तो पॉलिसी बैरियर्स भी आ जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे फेसिलिटेटर्स ऑफ एटीट्यूड सोशल एंड एजुकेशनल इन इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए जनरल बुलेटिन बोर्ड होती है, फ्री पोस्टिंग कमेंट्स होती है, ठीक है, एजुकेशन को लेके। तो यहाँ पर अगर हमें इस बैरियर्स को तोड़ के उनको प्रॉपर तरीके से देना होगा तो यहाँ पर क्या करना होगा, बुलेटिन बोर्ड को देना होगा जिसके थ्रू वो इंटरैक्ट कर सके, डिजिटली वो पढ़ सके। नेक्स्ट करिकुलम, एंड अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे उन सभी जो बैरियर्स है उस बैरियर्स को हम ओवरकम कर सके। नेक्स्ट है करिकुलम एंड टीचिंग स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पर प्रोवाइड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देना होगा, करिकुलम को फ्लेक्सिबल रखना होगा। नेक्स्ट क्या है, कंटेंट शेयरिंग एंड मैनेजमेंट। यहाँ पर ऐसा प्रोफेशनल कंटेंट चाहिए जो कि लर्निंग एंड टीचिंग स्किल को एनहेंस कर सके। लर्निंग टूल्स एंड प्लेइंग टूल्स, इंट्रोड्यूसिंग अ वैरायटी टूल्स एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर अ लर्निंग एंड प्ले इन इंक्लूसिव एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन डिटेल्स एंड शेयरिंग डिटेल्स इंफॉर्मेशन ऑन परचेसिंग प्लेस फंक्शन एंड एक्सपेक्टेड इफेक्ट। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो भी टूल्स आप यूज करेंगे, जो भी मटेरियल आप यूज करेंगे वो जनरल स्टूडेंट्स को जैसे इफेक्टिव हो सके, वैसे ही जो स्पेशल चाइल्ड है उसको भी इफेक्टिव हो सके। उसके लिए आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देना होगा, शेयर करना होगा। नेक्स्ट क्या है, शेयरिंग स्कूल एंड गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटेड। यहाँ पर टाइमली सभी जो डिजेबल चाइल्ड होती है उसके ऊपर इंफॉर्मेशन को गेन करना है। अब इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करके जो पॉलिसीज क्रिएट करना होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, टेक्नोलॉजी को, क्योंकि देखिए जनरल स्टूडेंट्स के लिए तो पॉलिसी होती है मगर इंक्लूसिव एजुकेशन हो जो है, जो डिजेबल चाइल्ड है उसके लिए भी प्रॉपर पॉलिसी होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्या है, प्रोफेशनल वर्कशॉप फंक्शन। मतलब यहाँ पर जैसे सेमिनार होती है, वर्कशॉप होती है, ये यहाँ पर भी वर्कशॉप सेमिनार कॉन्फ्रेंस होगा जहाँ पर टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जाएगा कि कैसे स्पेशल चाइल्ड को ट्रीट किया जा सके।
तो लर्नर्स यूनिट 10 की सेक्शन सी एंड डी भी खत्म हो चुकी है। डिटेल्स में मैंने सब कुछ आप लोगों को समझाया है। अगर लेसन अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, जो न्यू लर्नर्स है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय।